Hello friends, I hope all of you are okay. Welcome to my channel Roy's Quest, and today I am going to show you how to use KineMaster, as you can use it as a video editorial software. So I can show you how to use it. We need to install it from Play Store. So Play Store, I am going to Play Store and open KineMaster. And as I have already installed it, so I opened it from my application. So you people need to do, आप लोग क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल कर लेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद फिर KineMaster खोलेंगे. KineMaster एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आएगा और इसको स्टार्ट स्किप करते करते आपको स्टार्ट करना है. जैसा मेरा ये कुछ प्रोजेक्ट्स है, मैंने पहले ही बना के रखा है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे. तो उससे पहले क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो साइन है इसको क्लिक करेंगे, मतलब ये उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करेंगे, कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में हम लोग डालना चाहते हैं. तो मेरा जो वीडियो मैं डालूँगा तो 9:16 एस्पेक्ट रेशियो होगा, तो उसमें मैं ये डाल दिया. अभी ये मेरा एक के बाद एक आएगा. तो अभी ये जो गोल वाला चक्का दिख रहा है, यू कैन सी दैट व्हील, देयर इज़ रिटन मीडिया ओवर देयर, इसमें मीडिया करके एक लिखा है. तो ये मीडिया को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद फिर हम लोग का जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग डाल सकते हैं कहीं से भी आपने जो वीडियो शूट किया है. तो मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे करके डालना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लिया. आप यहाँ से वीडियो क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसा ये जगह पे देख रहे हैं 0.6 सेकेंड 137 मिली सेकेंड्स हुआ है. तो इस जगह पे मैं वीडियो को क्रॉप करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो पे मैं ऐसा क्लिक करूँगा. उसके बाद ये जो कैंची वाला है, सीजर वाला, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और स्प्लिट टाइम प्लेड अहेड, इसको स्प्लिट कर देंगे. और इस बीच में हम लोग दूसरा, मैं मेरा चैनल का इंट्रो डालना चाहता हूँ. उसके बाद ये जगह पे मैं इंट्रो डालना चाहता हूँ, उसके ये जो जगह है 5 सेकेंड इसके बाद, तो इसको मैं टिक करूँगा. और इसके बाद फिर मीडिया में जाऊँगा और मेरा इंट्रो मैं डालूँगा इसमें. ये मेरा वीडियो का इंट्रो मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं. इसको टिक करेंगे तो ओके हो जाएगा. आप इसको चला के देख सकते हैं. जैसे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल रॉयस क्वेस्ट. आफ्टर एंटरिंग ए न्यू वीडियो और एडिंग ए न्यू वीडियो, यू कैन मेक इट एनलार्ज और मेक शॉर्टर. आप लोग इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं. इसको स्क्रॉल करके ये देखिए बड़ा हो गया, या फिर इसको हम छोटा भी कर सकते हैं ऐसे करके. इसको करके फिर ओके करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे आप प्ले करके देख सकते हैं. ऐसा आया. एंड टुडे आई एम अभी इसमें हम लोग वॉइस भी ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल. ये वॉइस वाला बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा तो वॉइस ऑटोमेटिकली इस नीचे वाली जगह पे आ जाएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. यू कैन ऐड ऑडियो ऑल्सो. आप लोग ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं इसमें. जैसे ऑडियो में गया और इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको टिक किया तो ओके हो जाएगा, ये प्लस को दबा के. तो ये मेरा नीचे आ गया, देखिए विश यू वेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, ये वाला वीडियो आ गया है. इसको हम लोग अगर चलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं आ जाएगा. सो फॉर मेकिंग द थंबनेल लोगों पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा. अभी जो ये म्यूज़िक मैंने डाला है, इस म्यूज़िक का साउंड भी हम कम बड़ा कर सकते हैं. जैसा इसका पिच जो भी है ऑटो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम लोग अगर थोड़ा ये जगह से कम करेंगे तो ये कम ही सुनाई देगा। इसको करके ओके करेंगे तो देखिए सुनाई देगा। प्ले स्टोर खोलेंगे, वी हैव टू ओपन द प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर थंबनेल मेकर्स फॉर यूट्यूब। एज आई ऑलरेडी सर्च इट, मैंने पहले से ही सर्च करके रखा था। तो ये तो ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग इसका जो ऑडियो है, ऑडियो क्लिपिंग, वो ऑडियो क्लिपिंग का साउंड हम लोग कम बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसमें हम लोग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने अभी टेक्स्ट ऐड कर दिया। सपोज मान लीजिए कि हाउ टू मेक थंबनेल्स, अभी इसमें आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसमें इसका पैटर्न भी चेंज करेंगे, ओके करेंगे। और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करेंगे, रेड टाइप का दे देंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए आ गया। अभी इसको थोड़ा छोटा करेंगे और सेव करेंगे तो हो गया। ऐसा करके आप लोग एक वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसमें और सारा बहुत सारा ऑप्शंस है, एक एक करके आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों का कमेंट का आंसर देने के लिए। अभी और लास्ट एक काम बाकी है। इसमें सभी एक एडिट हो जाने के बाद अगर कैसे वीडियो आपको लेना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये एक बटन है, ये जो शेयर वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये आ जाता है। देखिए इसमें थोड़ा हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन रखेंगे और इसको एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोग गैलरी में से जाके आपका जो एक्सपोर्टेड वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर